हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक कम से कम आपकी बिल्कुल कायदे से तैयार होनी चाहिए साइंस, और फिर फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा रही है साइंस की, जिसमें क्लास वाइज चैप्टर वाइज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे किसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास सिक्स, हालांकि थोड़ा छोटा क्लास है, एमएससी तक पढ़ाते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो स्टार्टिंग छोटे से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास सिक्स का एक चैप्टर है भोजन, यह कहां से आता है। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक आपको लगेंगे, कुछ लोग कहेंगे हमें तो ये आते हैं, लेकिन आपको ए टू जेड नोट्स बनाने हैं बिल्कुल कायदे के। यह साइंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है, सिक्स क्लास से पढ़ाएंगे टेंथ तक सब कुछ जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये तो हमें मालूम है, बिल्कुल आपको मालूम भी है, इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। शाकाहारी क्या होते हैं, जो सब्जी वगैरह खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो दोनों चीजें खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं मांस भी खा लेते हैं, वो कहलाते हैं सर्वाहारी। नाम से मतलब सर्वा का मतलब सब कुछ, तो जो सब कुछ खा जाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक। तो तीन बातें हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जो साग सब्जी खाएंगे शाकाहारी, जो मांस को खाएंगे मांसाहारी, जो सब कुछ खा लेंगे वो सर्वाहारी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी, कैसे पूछेगा कि निम्न में कौन होते हैं इस तरीके से, या जो ये साग सब्जी खाते हैं वो कौन होते हैं इस तरीके से आपसे पूछेंगे, या मैचिंग कर लिया कि जो सब्जी खाता है वो कौन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा था, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियां फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, चूसती हैं और इसे इकट्ठा करती हैं, क्यों इकट्ठा करती हैं, तो इसका आंसर क्या सुनिए, फूल और मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध रहता है, यानी फूल पर जो मकरंद यानी रस बनता है वो वर्ष में मकरंद कुछ समय ही उपस्थित होता है, हर समय नहीं। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेती हैं और फिर पूरे वर्ष भर उनका आनंद लेती रहती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं, तो आप क्या कहेंगे, फूल और मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, और कुछ समय उपलब्ध होता है इस वजह से वो उसे इकट्ठा कर लेती हैं और फिर साल भर उसका आनंद लेती रहती हैं, ठीक है भाइयों, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौआ कैसा जीव है, कौआ, तो कौआ जो है वो मांसाहारी जीव है, ये आपको पता होना चाहिए, कौआ मांसाहारी, मांसाहारी क्या, जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता, तो कौआ मांसाहारी जीव। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौआ क्या खाता है, कंफ्यूज रहते, तो कौआ मांसाहारी जीव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी पौधों की जड़ तना पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है, इसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पौधों का कौन से भाग को खाया जाता है, तो जड़, कुछ पौधे हैं जिनकी जड़ खाई जाती है, ठीक है, नीचे से खोद के निकाली जाती है उन्हें खाते हैं, कुछ के तने को खाते हैं, कुछ के फूल खाए जाते हैं, आपने देखा होगा लोग फूल की भी सब्जी बनाते हैं, और कुछ की पत्तियों को भी खाया जाता है, यानी सभी पौधों की जड़ तना फूल पत्तियां लगभग हर चीज को खाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। आप छोटे लेवल की बात हो रही है सिक्स क्लास में, तो सिक्स क्लास में उसी लेवल की बातें होंगी, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद शेर एवं बाघ, ठीक, मिलान में आएगा कभी कभी कि शेर एवं बाघ किसे खाते हैं, सामने कुछ लिख दिए चार पांच, तो शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पालक और फूल गोभी क्या है, तो सब्जियां हैं, अब हम आपको दिखाते हैं, मान लिया ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये ऊपर नीचे लिख दिया, दूसरे जंतुओं को खाते हैं ये, और कहेगा मैचिंग करो, मिलान करो, निम्न में कौन सा कथन सही है, कहेगा पहला कथन या दूसरा कथन, इस तरीके से आपसे कह देगा, ठीक, और फिर आपको सही वाला लगाना पड़ेगा कि पहला और दूसरा सही, दूसरा और तीसरा सही, तीसरा और पहला सही, पहला और चौथा सही, इस तरीके से आपको मैचिंग लगाने पड़ेंगे। तो क्या है, शेर और बाघ क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। पालक और फूलगोभी क्या है, सब्जियां हैं। दूध पनीर घी और दही क्या है, सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी ये सारे के सारे जंतुओं से प्राप्त होते हैं, चाहे वो दूध हो पनीर हो। दूध हमें किससे मिलता है, भैंस से मिलता है, गाय से मिलता है, बकरी से मिलता है, इन सब चीज़ों से, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है। पनीर, हम लोग दूध से पनीर बना लेते हैं, घी, ठीक है, घी भी ऐसे दूध से ही बनता है, दही, दही भी ऐसे ही बनता है, ठीक, बैक्टीरिया वगैरह के इस्तेमाल से, तो कुल मिला के सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर जंतु ना हो तो फिर ना आपके पास दूध होगा, ना घी होगा, ना पनीर होगा, ये कुछ नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके की मैचिंग वाले भी आ जाते हैं, निम्न में कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और पहला, पहला और चौथा, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पहला टॉपिक भोजन यह कहां से आता है, क्लास सिक्स का यह पहला टॉपिक आपके काम का है, क्लास वाइज
चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनेगी। पहले हम क्लास सिक्स के सारे चैप्टर कवर करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, उसके बाद फिर सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ और फर्स्ट ईयर और इंटर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसी तरीके की अच्छी वीडियोस के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।